हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग? उम्मीद करता है बहुत अच्छे तो होंगे। आज की वीडियो पे मैं आप लोगों के साथ स्लीपिंग स्ट्रेच की एक सेटअप शेयर करने जा रहा हूँ, तो वीडियो के एंड तक जरूर से देखना। वैसे तो मेरे पास बहुत सारे स्लीपिंग स्ट्रेच का सेटअप वीडियोस आते हैं, बट कुछ वीडियो ऐसे होते हैं 20 सेकंड के होते हैं, 30 सेकंड के होते हैं, इसलिए मैं इनको यूट्यूब पे डाल नहीं पाता हूँ। तो एटलीस्ट आप लोग अगर वीडियो कभी भी मेरे को सेंड करो स्लीपिंग स्ट्रेच का, तो एटलीस्ट 1 से लेकर 2 मिनट का सेंड करना, ठीक है, ताकि मैं यूट्यूब पे वीडियो बना के डाल सकूँ। बाकी जो लोग नए हो मेरे चैनल पर, उनको नहीं पता कि स्लीपिंग स्ट्रेच क्या है, इन शॉर्ट मैं बता दूँ, इस टेक्निक से आप अपनी लंबाई को 5 से लेकर 10 सेंटीमीटर इंक्रीज कर सकते हो मैक्सिमम ओनली स्पाइन में। अगर आपको स्लीपिंग स्ट्रेच के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो चाहिए, डिस्क्रिप्शन पर मैं उसका लिंक मार्क करके रहूँगा, पहले वाला वीडियो देख लेना। बट वीडियो खत्म होने के बाद देखो, स्लीपिंग स्ट्रेच से जो ग्रोथ होती है वो स्पाइन पर होती है, वहाँ पर ग्रोथ प्लेट का कोई मसला नहीं रहता, बिकॉज लॉन्ग बोन्स की तरह कोई डेडिकेटेड ग्रोथ प्लेट हमारे स्पाइन पर रहता नहीं है। बाकी स्लीपिंग स्ट्रेच से आपकी ग्रोथ होगा इंटरवर्टिब्रल डिस्क से, जो कि हमारी वर्टिब्रा के बीच में होती है स्पाइन। तो अभी मैं आप लोगों को सेटअप दिखाता हूं, उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो पे 200 लाइक्स का एम है। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि घुमा फिरा के एक ना एक दिन आपको मेरे पास आना ही है हाइट को इंक्रीज करने के लिए। ये जो ब्लू कलर का चीज़ है ये है एंकल स्ट्रैप, एंड ये जो पिंक कलर का चीज़ है ये है रेसिस्टेंस बैंड, यानी कि खींचने वाली। अब जब रेसिस्टेंस बैंड यूज़ करके नीचे से खींचोगे तो आपकी बॉडी नीचे से ट्रैक्शन होगा। इसका मतलब ये नहीं कि लेग्स पे स्ट्रेच जाएगा, पूरा स्ट्रेच जो है वो लंबर रीजन से स्टार्ट होकर ऊपर तक जाएगा, ठीक है। मेरा बोलने का मतलब है लोअर स्पाइन पे जाएगा। हमारी बॉडी जब ऐसे खींचेगा पूरा रात, ऐसे 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना ऐसे करते करते जब लॉन्ग टर्म तक आप इसको फॉलो करेंगे, तब हमारी जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है वो कोशिश करेगा कि एक्स्ट्रा फ्लूइड एब्जॉर्ब करे, ठीक है। एंड ये पॉसिबल नहीं होगा ग्रोथ हार्मोन के बिना, इसीलिए आपको ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज करने के लिए कोई भी हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग करनी है, चाहे वो रनिंग हो, स्प्रिंट हो, स्किपिंग हो, आप कुछ भी कर सकते हो, बट इंटेंस तरीके से करना है ताकि आपकी ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज हो। इसके साथ साथ आपको दो चीज़ और नोट करना इंपॉर्टेंट है कि मेक श्योर आप बहुत ज़्यादा पानी पी रहे हो, एंड अगर आप स्मोकिंग करते हो तो आप हाइट इंक्रीज करने का भूल जाओ इस टेक्निक से। आप ये टेक्निक फॉलो मत करो, बस टाइम वेस्ट होगा आपसे। तो आज के वीडियो बस इतना ही। अगर मेरे से कोई इंपॉर्टेंट बात छूट गया, तो जो लोग जानते हो कि स्लीपिंग स्ट्रेच कैसे करते हैं ऑलरेडी आप लोगों को पता चल चुका है मेरे चैनल से, तो आप लोग प्लीज कॉमेंट पर नोट कर देना, मैं पिन करके दूंगा उस कॉमेंट को, ठीक है, अगर मेरे से कोई चीज छूट गया है। बाकी अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके जाना, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। अगर आपको हाइट इंक्रीज की डेली रूटीन फॉलो करनी है तो ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अगर आपको मुझसे पर्सनली बात करनी है तो इंस्टाग्राम पर डीएम कर, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, एंड वहाँ पर आपको काफी सारा हाइट इंक्रीज की सक्सेस स्टोरी मिल जाएगा इस टेक्निक से एंड अदर टेक्निक से। लास्ट में बस मैं इतना बोलना चाहूंगा, अभी तक आपने बहुत सारी चीज़ें फॉलो करे हो, आपकी हाइट इंक्रीज नहीं हुआ है, ये डेफिनेटली बिकॉज ग्रोथ प्लेट क्लोज होने के बाद कोई नॉर्मल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज एंड डाइट्स एंड कुछ भी कर लो आपकी हाइट इंक्रीज नहीं होगा, इवन ग्रोथ हार्मोन से भी आपकी हाइट इंक्रीज नहीं होगा। आपको कुछ टेक्निकल एंड स्पेशल टेक्निक्स करनी है जो कि आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, तो एक बार आप फॉलो करके देखो, करना ना करना आपके ऊपर है, मैं बस आपको एडवाइस दे सकता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।